बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर कर्नाटक में पीसी के दौरान हुए हमले व काली स्याही फेंके जाने की घटना से नाराज होकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष विकास शर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप त्यागी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर थाना भवन रोड को जाम करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं आक्रोशित कार्यकर्ताओं द्वारा कर्नाटक सरकार का पुतला दहन करते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। सोमवार को बंगलुरु में कर्नाटक राज्य रैयत संघ के किसान पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के मुंह पर स्याही फेंकी गई, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन में रोष फैल गया। काली स्याही फेंके जाने से घटना से नाराज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष विकास शर्मा व ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप त्यागी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर थाना भवन रोड को जाम करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं आक्रोशित कार्यकर्ताओं के द्वारा कर्नाटक सरकार का पुतला दहन करते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर भाकियू जिला उपाध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा कि या तो कर्नाटक की राज्य और देश की केंद्र सरकार चौधरी राकेश टिकैत के साथ हुए कायरतापूर्ण इस हरकत का संज्ञान लेकर आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे, अन्यथा इस मामले में भाकियू स्वयं कोई निर्णय लेकर आगे की कार्यवाही अमल में लाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य व केंद्र सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के बाद लगातार किसान नेताओं पर हमले हो रहे हैं, जगह जगह उन्हें निरुत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चौधरी राकेश टिकैत की सुरक्षा खतरे में है, ऐसे में भाकियू केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि किसान नेता को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस मौके पर सरफराज त्यागी, पवन त्यागी, ठाकुर, ओम किरण, ओमकार, कृष्ण, सिल्लू, सौरभ, नदीम आदि मौजूद रहे। ये कर्नाटक में चौधरी राकेश टिकैत जी गए हुए थे, वहाँ पे उनकी एक पीसी थी और उस दौरान वहाँ पे उनके ऊपर काली स्याही फंकी गई, वहाँ बदतमीजी अभद्रता हुई, उसके विरोध में यहाँ पे रोड जाम हुआ और पुतला कर्नाटक सरकार का पुतला फूंका गया। क्या लगता है आपको? वो अभी पता नहीं लगा, वो सारा मामला जो भी है उन्हें बता दिया गया है। या तो उनके खिलाफ ये करे कानूनी कार्रवाई रासुका के तहत, उनको भेजे जेल, नहीं तो आंदोलन झेलने के लिए ये सरकार तैयार है। इतनी बड़ी नेता के साथ बदतमीजी हुई है, ये सरकार की विफलता है, वहाँ की सरकार की लापरवाही है। जब पता था कि चौधरी राकेश टिकैत जी वहाँ पहुँच रहे हैं तो उनके लिए समुचित व्यवस्था करनी थी वहाँ की सरकार को, कोई इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था। सरकार भी चाह रही थी कि यह ऐसा हो, ये सरकार की मंशा है वहाँ की, हाँ बिल्कुल चाहे कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, जाट श्रेणी की सुरक्षा। अगर कल उनके साथ हो गया, क्या पंजाब में परसों उनकी सुरक्षा हटाई गई, सिंधु जी का जो उन्होंने मर्डर हुआ है, और कल उनके उनका हत्या कर दी गई, इस तरह तो हमारे नेता की हत्या करने की साजिश है, हमारे नेता को मारने की साजिश है, और उसे यह किसान बिरादरी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पे ईंट से ईंट बजाने का हम लोग काम करेंगे, सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने का काम करेंगे। आंदोलन होगा जी, 100% आंदोलन होगा, एक भी सड़क पर एक भी वाहन नहीं चलने दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में तमाम हाईवे जाम रहेंगे और कहीं पर भी कोई वाहन नहीं चलेगा, पूरा आंदोलन होगा। किस तरह के लोग? उच्च मानसिकता के लोग हैं, उन्हें नहीं पता है किसानों के मसीहा है, किसानों के मसीहा के साथ इस तरह का मैं व्यवहार कर रहे, कहीं ना कहीं ये किसान बिरादरी को सम्मान को ठेस है। ये राकेश टिकैत जी के चेहरे के ऊपर नहीं करेगा, ये किसान बिरादरी, किसान कुम के ऊपर इन्होंने हमला किया है, इसे किसान बिरादरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।